एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 साल पहले चिली के अटाकामा इलाके में जब एक 6 इंच का कंकाल मिला था तो लोगों के बीच एलियंस के अस्तित्व को लेकर बहस शुरू हो गई थी। एक हथेली बराबर ये साबुत कंकाल का सिर कोन शेप का था और शरीर में सिर्फ 10 पसलियां थीं। माना जाने लगा था कि धरती पर आए किसी एलियन का बच्चा यहाँ छूट गया और उसकी मौत हो गई। अब साइंटिस्ट्स ने इसकी जो सच्चाई बताई है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हाल ही में आई ताज़ा डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसे सालों से एलियन मानकर रिसर्च की जा रही थी वो कंकाल किसी एलियन का नहीं बल्कि इंसान का है। कंकाल के जेनेटिक्स पर की गई लगातार जांच में पता चला कि ये एक बच्ची का कंकाल है जो म्यूटेशन का शिकार हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और स्टैनफोर्ड में किए गए जेनेटिक एनालिसिस में पता चला कि इस बच्ची की मौत करीब 40 साल पहले हो चुकी थी। पहले माना गया कि ये बच्ची 6 या 8 साल की रही होगी। हालांकि बाद में पता चला कि ये नवजात थी और जन्म के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी।